is सो to इज गोइंग टू बी ऑन हाउ टू लर्न I am Akash आई एम you are यू आर Akash स्केटर So सो लेट्स स्टार्ट विद द स्केटिंग दैट यू नीड ड्यूरिंग स्केटिंग सबसे पहले आपके पास हेलमेट होना चाहिए निगार्ड्स होना चाहिए और अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए और बॉडी सूट है तो और अच्छी बात है तो उसके बाद आपके पास स्केट्स तो होना ही चाहिए अगर आपके पास इनलाइन प्रोफेशनल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है डिकेत लोन का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप एक कम बजट में भी स्केट ले सकते हो अगर किसी को कम बजट में स्केट चाहिए तो वो नीचे कमेंट करो मैं उसको कम बजट वाले स्केट बता दूंगा अगर आपको कहाँ से लेना है ये भी बता दूंगा अदरवाइज़ सबसे बेस्ट रहता है कॉस्को अगर ले लो जो आपको अराउंड दो से तीन हज़ार के बीच में मिल जाएगा कहीं से भी ले लो अमेज़ोन से ले लो या फिर अगर आपके पास कोई नीयर बाई शॉप है वहाँ से ले लो सो अब भी हमारे पास है एक इन प्रोफेशनल और एक है डीकेथ का एम एफ फाइव हंड्रेड जो कि मैंने डीकेत से परचेज़ किया था इन लाइन प्रोफेशनल मैंने डीलर से परचेज़ किया था अगर आपको इसका प्राइस जानना है अगर ये आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करो मैं दिस इज़ माई हेलमेट ये भी मैंने डीकेत से ही परचेज़ किया था तो ये हेलमेट है वो स्केट इस, है और ये इन लाइन स्केट है और इस तरह का कुछ निगाड़स होता है अगर आप ये वाला यूज़ करो तो ये वाला यूज़ कर सकते हो अदरवाइज़ आप डिकेट लॉन्च से भी ले सकते हो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो आपको एकदम हंड्रेड सिक्योर करता है सो so, अभी फ़िलहाल यही है तो चलो करते हैं स्टार्ट स्केटिंग सीखना तो सबसे पहले आपको कोई ऐसा सरफेस देखना है जहां आपका स्केट प्रॉपर वर्क कर सके सो so, पहले सरफेस देखो फिर क्या सिखाने के सर्फिस ऑप्शन है so, अभी हमारे पास दो हैं। I mean, एक तो ये वाला रोड है डांबर वाला जो कि आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा अगर आप किसी गाँव से ये वीडियो देख रहे हो तो गाँव में भी रोड होते हैं अदरवाइज वी हैव सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन ये है हमारे पास जो की कॉन्क्रीट वाला रोड है ये वाला तो अगर आपके पास ये है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है बहुत बेटर ऑप्शन है आपके पास अगर वाला अगर आपके पास ये वाला रोड है तो सो so, अभी हम लोग रोड की वजह यहाँ करने वाले हैं कंक्रीट वाले रोड पे स्केटिंग सो so, अभी हमारे पास रोड भी है हेलमेट भी है और निगार है और जो काम करने के लिए आए हैं आई I मीन mean, स्केट वो भी है हमारे पास सो लेट्स स्टार्ट स्केटिंग दिस इज माई बॉडी सूट इसको स्किन सूट भी बोला जाता है सबसे पहले हम इसको पहनते हैं

अगर ये आपको परचेज़ करना है तो आप डिकोन की साइड से जाके इजीली परचेस कर सकते हो और ये निगार्ड्स होते हैं जो कि आपकी नी को सपोर्ट करते हैं आई I मीन mean, सिक्योर भी करते हैं अगर आप बाई चांस गिरते हो तो सो दिस इज़ हेलमेट एज यू नो आप सभी को पता है कि इसका यूज़ कहाँ होता है आई मीन किस लिए होता है तो ये आपके हेड को ईज़िली मतलब प्रोटेक्ट करता है और अगर आप गिरते हो So, सबसे पहले आपको निगार्ड पहनना है कुछ इस तरीके से आई I मीन mean, आपके नी के ऊपर प्रॉपर आना चाहिए ये जो जो इसका फॉर्म होता है वो आपके नी के ऊपर एकदम प्रॉपर ही आना चाहिए सो so, फिर हमको स्केट पहनना है कुछ इस तरीके से इसके लेसेस आप जितना टाइट कर सको उतने टाइट करो क्योंकि इजी रहता है आई मीन कंफर्टेबल भी रहता है और दोनों लोग अच्छे से लगाओ कुछ इस तरीके से अगेन ध्यान रखो लेसेस और लॉक एकदम प्रॉपर तरीके से टाइट करना है आपको हेलमेट इज कंपल्सरी सो हेलमेट पहनते हैं सो so, नाउ हम हो चुके हैं एकदम रेडी पूरे आई मीन हेलमेट और निगार्स वगैरह के साथ और स्किन सूट पहना है और स्केट्स इस, पहना ही है भाई सो so, करते हैं स्टार्ट हाउ टू लर्न लैंड स्केट्स आपको कुछ ऐसा सरफेस देखना है या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखना है जिसको पकड़ के आप मीन ईजिली खड़े हो सको सो so, मेरे पास ये है क्योंकि आगर आगर आप अगर आप डायरेक्ट खड़े होते हो तो नीचे गिरने के चांसेस आपके जल्दी बढ़ जाते हैं क्योंकि आप पहले दिन अच्छे से खड़े नहीं हो पाओगे सो so, कुछ इस तरीके से आपको खड़ा होना है और पैर को एल शेप में रखना है सीधा नहीं रखना है कुछ एल शेप में इस तरीके से तो so, आप इजीली खड़े हो जाओगे बेकेंड स्टेप तो सेकंड स्टेप ये है आपको किसी तरीके का पार्क का यूज नहीं करना है योगा मेट का यूज नहीं करना है क्योंकि जैसे मैंने बताया था अगर आपके पास डायरेक्ट कंक्रीट रोड है तो वहाँ जाओ और डायरेक्ट वाला रोड है तो वहां जाइए तो अगर आप स्ट्रेट होते हो तो आपके पीछे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका स्केट आगे की स्केट और आपकी बॉडी पीछे की साइड मूव करेगी सो so, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा बैंड ही रहना है स्केटिंग करते टाइम लाइक दिस तो ये चीज़ आपको एट टू नाइन टाइम्स करनी है अगेन लाइक दिस वन चो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो बॉडी बेंड हो चुकी है दोनों हाथ हमारे दोनों पे आ चुके हैं अब क्या है अब सिर्फ चलना है भाई आपको ये गलती नहीं करनी है इस तरीके से आपको डायरेक्ट नहीं चलना है थर्ड स्टेप फॉलो करो और पूरा वीडियो वॉच करो आपको जल्दी नहीं करनी है आराम से सीखो विदाउट इंजरी सीखो अगर नहीं सीख पाओगे तो सिखाने के लिए मैं हूँ डोंट वरी हमारी वीडियोस देखो और अच्छे से स्केट सीखो विदाउट विदाउट इंजरी स्केट सीखो सो थर्ड स्टेप अब आपको करना क्या है आपको स्लोली स्लोली दोनों हाथ नीपे रहेंगे बॉडी बेंड रहेगी वन बाय वन स्टेप उठा के रखना है कुछ इस तरीके से लाइक like दिस पूरा पूरा पैर आपको ऐसे उठाना है लाइक दिस तो ये चीजें आपको करीब 10 से 5 मिनट करना है यही चीज आप मड़े स्पेस पे आई मीन पार्क के गार्डन में भी कर सकते हो बट यहाँ आपको क्या है नी पे हाथ रखने की कोई नीड नहीं होगी क्योंकि आपका स्केट ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा आई I मीन mean, जो आपका व्हील है वो जल्दी रोटेट नहीं करेगा तो आप यहाँ इजिली चल सकते हो लाइक दिस आप भाग भी सकते हो कुछ इस तरीके से भाग भी सकता है क्योंकि यहाँ जो आपका व्हील है वो एक जगह पर रुक जाता है और पूरा स्केट रोल नहीं करेगा बट कंक्रीट रोड से और डाम्बर रोड से ये सब थोड़ा नीचे है तो हम लोग अगेन वहीं चलते हैं कॉन्क्रीट रोड और या फिर डाम्बर रोड पे लेट्स गो सो अगेन हम आ चुके हैं अपने पुराने वाले सरफेस पे जो कि कॉन्क्रीट रोड था आपको स्टेपिंग करना आ चुका है आई I मीन mean थोड़ा रोल करना आ चुका है और बस आपको अब स्केटिंग करने की बारी है आगे बढ़ने की बारी है और थोड़ा तेज चलाने की बारी है सो so, अभी हम ऐसे चल रहे थे बट ये था सिर्फ बैलेंसिंग के लिए अभी हमको स्केट चलाना है आगे बढ़ना है और जल्दी चलाना है स्केट सो so, उसके लिए क्या करना है आपको आपको वी शेप बनानी है वी फॉर वैन वाला वी लाइक like दिस वी शेप बनाना है देन स्लोली स्लोली वही सेम स्टेप आपको आगे आगे की साइड रखना है आई I मीन mean, आपको का लेफ्ट या राइट लेग कोई सा भी एक लेग आपको पहले आगे की साइड पुश करना है लाइक दिस देन अदर लेग लाइक दिस स्लोली स्लोली बट बॉडी बैंड ही रहेगी अदरवाइज आप पीछे की साइड गिर सकते हो तो so, आपको स्लोली स्लोली ललना है वी स्टेप में ही रखना है पैर को सो so, यही स्टेप आपको कंटिन्यूसली टू टेन डेज करना है सो so, आप इजीली थोड़ा सा आपका बैलेंस जो है वो आपका बन जाएगा और आप ज़्यादा तो नहीं बट आई एम श्योर कि आप स्केटिंग सीख सकते हो सो so, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार सब्सक्राइब करने में किसी का एक पैसा नहीं जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब होता है यार अगेन वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि हम आगे की वीडियोस किस टॉपिक पर बनाएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अगर आप अगर आपका कोई फ्रेंड स्केट सीखना चाहता है या फिर कोई फैमिली में स्केट सीखना चाहता है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो दिस साइड आकाश चार एंड यू वॉचिंग स्केटर आकाश चार